क्या मुसलमानों के लिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना हलाल है? जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब किसी कंपनी के शेयर्स शरिया नॉर्म्स को फॉलो करते हों। स्टॉक मार्केट में शेयर ट्रेडिंग करना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम सही है, लेकिन ज्यादातर मुसलमानों को ये लगता है स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदना या बेचना जुआ खेलने के बराबर है, इस वजह से ये हराम है। जबकि कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेशन से सिर्फ उनका इकोनॉमिक स्टेटस ही नहीं सुधरेगा, बल्कि वो देश की अर्थव्यवस्था के डेवलपमेंट में भी शरीक होंगे। फिर सवाल आता है, तो क्या मुसलमान स्टॉक मार्केट की सभी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं? जवाब है नहीं। एक मुसलमान होने के नाते किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपका ये जानना बहुत जरूरी है, वो बिजनेस जो कि ये कंपनीज करती हैं, क्या वो शरीयत के हिसाब से हलाल है या नहीं। तो पहले हम बात करते हैं उन बिजनेसेस की जिसमें इन्वेस्ट करना शरीयत के हिसाब से हराम है। पोर्क एंड रिलेटेड बाई प्रोडक्ट्स, सुअर या सुअर का गोश्त एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज के शेयर्स आप नहीं खरीद सकते, और इवन ऐसी कंपनीज जो फूड या दूसरे प्रोडक्ट्स में सुअर का यूज करती हैं, उनके शेयर्स भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि सुअर इस्लाम में हराम है, अल्कोहल शराब इस्लाम में हराम है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब पीने वाले पर, पिलाने वाले पर, खरीदने वाले पर, बेचने वाले पर, या जो शख्स जिस तरह से भी शराब से जुड़ा है उस पर लानत भेजी है। ऐसी कंपनीज जो शराब का बिजनेस करती है उनमें इन्वेस्ट करना हराम है। इसमें वो शुगर फैक्ट्रीज भी आती है जो एल्कोहल बनाने के लिए शुगर सप्लाई करती है। हाउसिंग फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इनके भी शेयर्स आप नहीं खरीद सकते, क्योंकि ये ब्याज का काम करती है और ब्याज इस्लाम में हराम है। प्राइवेट बैंक्स, इंश्योरेंस और पब्लिक बैंक्स, इनका भी सारा काम सूद पर होता है, इसलिए इनके भी शेयर्स खरीदना हराम है। पोर्नोग्राफी और ड्रग्स वगैरह, कोई भी कंपनी जो पोर्नोग्राफी या नशीले पदार्थ का बिजनेस करती है उसके भी शेयर्स खरीदना हराम है। टीवी ब्रॉडकास्टिंग, फिल्म प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एंटरटेनमेंट, इनके शेयर्स भी खरीदना हराम है। गैम्बलिंग यानी जुआ, जो कंपनीज ऐसा बिजनेस करती है उनके शेयर्स भी खरीदना हराम है। आर्मामेंट्स एंड डिस्ट्रक्टिव वेपन्स, वेपन्स बनाने वाली कंपनीज के शेयर्स खरीदना भी हराम है। डेड एनिमल्स नॉट स्लॉटेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ शरीयत, वो कंपनीज जो मरे हुए जानवरों का बिजनेस करती हैं और उन जानवरों को शरीयत के हिसाब से ज़िबह नहीं करती हैं। इस्लाम में मुर्दा जानवर, मछली को छोड़कर, या ऐसे जानवर जिन्हें खाने से मना किया गया है, या फिर वो जानवर जो बेशक हलाल हैं लेकिन उन्हें ज़िबह करने का तरीका इस्लामिक नहीं है, ये सब हराम है। गोल्ड एंड सिल्वर, सिगरेट्स, टोबैको, टर्म लैंडिंग, अम्यूजमेंट पार्क, रिक्रिएशन क्लब, ब्रूरीज एंड डिस्टिलरीज, ये वो बिजनेस थे जिसमें इन्वेस्ट करना एस पर शरीयत हराम है। तो अब बात करते हैं उन 15 हलाल कंपनीज और उनके बिजनेस के बारे में जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो 100% हलाल है। हलाल कंपनीज वो होती है जो हराम बिजनेस नहीं करती है। हराम बिजनेसेस के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब अगर कोई कंपनी हलाल बिजनेस करती है लेकिन उसने लोन ले रखा है और कंपनी के ऊपर कर्जा 33% से ज्यादा है तो उसके शेयर्स भी हराम होंगे, लेकिन कर्जा 33% से कम है तो उसके शेयर्स हलाल होंगे। नंबर वन, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, ये स्टेनलेस स्टील बनाते और बेचते हैं। नंबर टू, जिलेट इंडिया लिमिटेड, ये ग्रूमिंग एंड ओरल केयर प्रोडक्ट्स बनाते और बेचते हैं। नंबर थ्री, हिंदुस्तान टिन वर्क्स, ये टिन प्लेट्स और कैंस वगैरह बनाते हैं। नंबर फोर, कजारिया सिरामिक लिमिटेड, ये सिरामिक और विट्रीफाइड टाइल्स बनाते और बेचते हैं। नंबर फाइव, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इनके बारे में तो आप लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानते होंगे। नंबर सिक्स, मेडिकम एंड बायोटेक लिमिटेड, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो टैबलेट, सिरप, ऑइंटमेंट, कैप्सूल्स वगैरह बनाती है। नंबर सेवन, ओमेक्स ऑटोज लिमिटेड, ये ऑटो और नॉन ऑटो कंपोनेंट्स बनाते और बेचते हैं। नंबर एट, सिप्ला लिमिटेड, ये कंपनी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, ये भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। नंबर नाइन, रेड टेप लिमिटेड, ये इंडिया का ट्रस्टेड लीडिंग फैशन एंड लाइफस्टाइल ब्रांड है जो फुटवेयर और क्लोथिंग में वर्क करता है। नंबर टेन, नेचुरल बायोकॉन इंडिया लिमिटेड, ये केमिकल्स, नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स और कमोडिटीज वगैरह का बिजनेस करती है। नंबर इलेवन, बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये बिल्डिंग मटेरियल्स और बेसिक मटेरियल्स यानी सीमेंट्स वगैरह बनाती और बेचती है। नंबर ट्वेल्व, अवीर फूड लिमिटेड,
ये डोमेस्टिक फूड प्रोडक्ट्स, अचार, चटनी, पापड़ वगैरह बनाती है। नंबर 13, यूरिका फोर्स लिमिटेड, ये वाटर प्यूरिफायर्स, वैक्यूम क्लीनर्स, एयर प्यूरिफायर्स और होम सिक्योरिटी सिस्टम वगैरह प्रोडक्ट्स बनाती है। नंबर 14, टीवीएस श्री चक्र लिमिटेड, ये टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, टायर ट्यूब्स वगैरह बनाती और बेचती है। नंबर 15, अपोलो टायर्स लिमिटेड, ये टायर्स, ट्यूब्स और फ्लैप्स बनाते और बेचते हैं। अगर आपके जहन में अभी भी कोई डाउट रहता है तो कुछ ऐसी वेबसाइट्स और एप्लीकेशन है जिनके जरिए से आप इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनिंग कर सकते हैं। अगर आप इन वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस के बारे में एक अलग से वीडियो चाहते हैं या फिर और ज्यादा हलाल कंपनीज के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब।